गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज बी एल सोनी, पीजीटी इंग्लिश, जीपीएस स्कूल, गुड्डा गोरजी। वेलकम बैक इन दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। यू नो वी हैव लर्न टू पोइम्स, टुडे वी विल लर्न योर वार, थर्ड पोइम द होप, रिटन बाय राजन अग्रवाल। लेट्स स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने दो कविताएं पहले वाले कक्षा में पढ़ ली। आज हम लोग आपकी पुस्तक की तीसरी कविता द होप, जो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी जो थीम है उसके बारे में बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और एकदम धैर्य से आप जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे अपना ध्यान लगाइएगा। तो देखो बेटा, द होप जिसका मतलब होता है आशा, यानी आशा क्या है, आशा किसे कहा गया। आशा का मतलब होता है उम्मीद से होता है, यानी हम लोग किसी भी कार्य को करके और जब उसके बारे में एक पॉजिटिव व्यू बनाते हैं वही आशा है। कई कबार नेगेटिव व्यू भी बनाते हैं बट मेनली अपन लोग पॉजिटिव बनाते हैं, वो पॉजिटिव व्यू ही आशा है। तो बेटा इसकी शुरुआत करते हैं, कवि ने इसकी शुरुआत की है राजन अग्रवाल ने। कवि ने कहा है कि आशा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कवि ने कहा कि देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। ओके, आशा के अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसे आकांक्षा के नाम से जानते हैं, सम पीपल कॉल इट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कुछ लोग इसका अर्थ भविष्य की प्रासंगिकता से लगाते हैं। तो क्या कहा कवि ने, सम अदर्स रिलेट इट्स इम्पोर्टेंस टू फ्यूचर सो दे कॉल इट फ्यूचर रिलेवेंस। ओके बेटा, पहला तो कवि ने कहा इसे किसके नाम से जाना जाता है, आकांक्षा के नाम से। दूसरा, भविष्य की भावी प्रासंगिकता या भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, कवि ने इसका अर्थ लगाया है कि इसे उपकार का कार्य के रूप में कुछ लोग इसे समझते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोग इसका अर्थ है वो मेजर बेनिफिक्शन से लगाते हैं, उपकार के कार्य के रूप में लगाते हैं, ए चैरिटेबल गिफ्ट और डिड से इसका अर्थ लगाते हैं। तो कवि कहता है कि व्हाइल सम अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज गुड वे फॉर डूइंग समथिंग गुड फॉर टू अदर्स, ये एक अच्छा तरीका है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ अच्छा काम करने का। तो सबसे पहले मैंने आपको पहला जो स्टेंजा बताया उस स्टेंजा की बात समझ में आई होगी कि इसमें आशा को अलग अलग नाम से जाना गया है। कुछ लोग इसे आकांक्षा के नाम से, कुछ लोग इसे किसके नाम से, भावी प्रासंगिकता के नाम से, और कुछ लोग इसका उपकार के कार्य के रूप में इसका अर्थ लगाते हैं। लेकिन कवि हैं राजन अग्रवाल, वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। उन्होंने कहा कि आशा है वो मेरे लिए आत्मा का सृजन है। कवि ने कहा कि होप फॉर द पोइट इज सच ए वंडरफुल थिंग दैट ही कॉल्स इट द क्रिएशन ऑफ सोल। आशा कवि के लिए एक शानदार थिंग है जिसके कारण वह इसे क्रिएशन ऑफ सोल के नाम से जानते हैं। कवि कहता है कि आशा है वह हमें प्रसन्न बनाती है, हमें प्रसन्न करती है। तो कवि ने कहा कि ही सेज, कवि कहते हैं, होप मेक्स
अस फील हैप्पी, आशा हमें प्रसन्न बनाती है। आगे कवि कहते हैं कि प्रसन्न बनाने का मतलब क्या है। कवि ने कहा कि जब अपन अपने आप को उत्साही महसूस करते हैं, अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, तो अपने अंदर एक नई ताजगी, एक अंदर से एक ये मान के चलो एक आभास, सकारात्मक आभास वो बाहर प्रकट होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने को मिलती है। तो कवि ने उसके लिए बड़ी सुंदर बात कही है कि इट मल्टीप्लाइज विथ जील एंड हैप्पीनेस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन वी फील जेलस एंड डिलाइटेड द होप इन अस बिकम्स स्ट्रोंगर। जब अपन लोग अपने आप को उत्साही और आनंदित महसूस करते हैं, अपने अंदर की जो आशा है, जो अपने हृदय में जो आशा है, वो और स्ट्रोंग बन जाती है, क्योंकि होप हैज ऑलवेज बीन रिसोर्स ऑफ आवर सर्वाइवल। आशा है वह हमेशा से अपने जीवन के स्रोत के रूप में रही है। आशा करता हूँ दूसरा स्टेंजा आपके समझ में आया होगा, जिसमें कवि ने इसे आत्मा के सृजन के रूप में जाना है। और कवि ने कहा है कि आशा हमें प्रसन्न बनाती है। कहने का मतलब है जब अपन लोग आशावान रहते हैं तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा, ताजगी, उमंग जो से भर जाता है। आगे कवि कहते हैं कि आशा के कारण ही हम लोग भूतकाल में जीवित रहे। बहुत सुंदर बात कही है कि आशा के कारण हम लोग भूतकाल में जीवित रहे, और यह आशा ही है जिसके कारण हम लोग भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं। तो कवि ने कहा कि वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप इन द पास्ट। कवि कहते हैं यह आशा ही है जो हमें भविष्य के बारे में अच्छा सोचने के लिए तैयार करती है। यानी क्या कहा कवि ने कि ड्यू टू ओनली होप वी आर एबल टू थिंक पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, बिकॉज क्योंकि आशा अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करती है। कवि ने कहा कि आशा के कारण ही हम भविष्य के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करती है। इट किल्स नेगेटिविटी प्रेजेंट इनसाइड अस। कवि कहते हैं कि जब हम आशावान होकर के किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो अपन शांति का और एक निश्चेष्टता का अनुभव करते हैं। कवि ने कहा कि व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग होपफुली वी फील काम एंड क्वाइट। कवि ने कहा कि हम आशा के कारण भूतकाल में जीवित रहे, भविष्य का अनुमान आशा की वजह से लगाते हैं, क्योंकि आशा क्या करती है, अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है, सकारात्मकता उसमें डाल देती है। आशा के कारण ही हम लोग यदि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं, आशावान होकर के सोचते हैं, तो अपने अंदर शांति का अनुभव होता है, अपने अंदर एक निश्चेष्टता का अनुभव होता है, मोशनलेस का अनुभव होता है। बड़ी सुंदर कविता राजन अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की गई है आपके लिए। ध्यान से देखो क्या कहते हैं कवि कि एक बर्ड, एक पक्षी, वह एक आशा है जो एक पक्षी को उड़ाती है। कहने का मतलब है आशा के कारण ही एक पक्षी है वह उड़ता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और अपने घर का निर्माण करने के लिए, अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके की तलाश में पक्षी उड़ता है। कवि ने कहा कि दिस इज ओनली होप दैट मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड टू कलेक्ट मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। ठीक है बेटा, आगे कवि ने कहा कि एक कली है वो शाखा के ऊपर टिकी रहती है इस उम्मीद में कि एक दिन वह फूल बनेगी। कली शाखा पे टिकी रहती है कि एक दिन वह फूल बनेगी। कवि ने कहा
ए बड स्टेज ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री इन होप दैट वन डे इट विल टर्न इनटू फ्लावर। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि ट्रीज शेड देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, किसके कारण है? बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। दैट वन डे दे विल बी लोडेड या लेडन विद ग्रीन अपेरेंस, कि एक दिन वहां जो पेड़ों ने जो जहां से पत्तियां त्यागी है वहां पे हरी हरी पत्तियां वापस आ जाएगी, हरियाली से वो शाखा है वो आच्छादित हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात कही है कवि ने, कहा कि अपने जो जीवन के मार्ग हैं वो निराशापूर्ण हैं, अंधकारपूर्ण हैं, उन मार्ग को कवि है वो बोलते हैं कि आशा उन मार्ग को आलोकित करती है। कवि ने कहा कि आवर थ्रू फेस अपियर ग्लूमी एंड होप एंड लाइटन्स आवर थ्रू फेस, आशा हमारे जीवन के जो मार्ग है उनको क्या करती है? आलोकित करती है। यानी आशा के कारण हम लोग ताजगी और गर्मजोशी को महसूस करते हैं। कहने का मतलब है कि एक आशाई है जिसके कारण आने वाले दिन हैं, आने वाले दिनों की ताजगी को और गर्मजोशी को हम महसूस करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे मान लो आप कल कहीं जा रहे हो और आपके घर वालों ने कहा कि बेटा कल अपन वहाँ चलेंगे, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, पूरी रात आप उस ख्याल में रहोगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, वो करेंगे, पूरी रात उस ख्याल में खोए रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। आपके घर वालों ने कहा 4 बजे उठ जाना, आपको 2 बजे ही जाग हो जाएगा। क्यों? वो एक आशा उत्तेजना आपके मन में रहती है, एक ताजगी आपके मन में रहती है, नए नए क्षेत्र से आप मिल जुड़ते हो तो वो एक ताजगी है। आगे कवि कहते हैं कि आशा के कारण ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आशा है वह प्रारंभिक श्रेष्ठता है। सबसे सुंदर बात कवि ने यहां पे ये कही है कि दिस इज एन एक्सीलेंट बिगिनिंग ऑफ होप दैट ए मैन डिपेंड ऑन होप सिंस बर्थ। ये आशा की एक शानदार शुरुआत है कि एक बच्चा अपने जन्म से ही आशा पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब है कि आशा की शुरुआत एक बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है जो अंततः चलती रहती है। थैंक यू।